अक्सर मैं अपने वीडियोस में आपको फिल्मों के रिव्यूज़ के बारे में बताती हूँ, लेकिन आज का वीडियो काफ़ी अलग है क्योंकि आज किसी रिव्यू की नहीं बल्कि एक बीमारी की बात होने वाली है जिसका इलाज दुनिया में ना तो आज तक बना है और ना ही आगे बन सकता है। इस बीमारी को पहचानना कैसे है और आप खुद को इससे दूर कैसे रख सकते हैं, वो सब कुछ आपको बड़े ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे आपको बता दूं, आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे भी है, तो कुछ शुभकामनाएं वगैरह भेजनी हो तो कमेंट कर देना। एडवांस में आप सबको ढेर सारा थैंक यू और खूब सारा प्यार, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं अपना बर्थडे 3 लाख दोस्तों के साथ मनाने वाली हूँ। लेकिन थोड़ी देर के लिए खुशियों को थोड़ा साइड रख देते हैं और सावधानी वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी समझदार इंसान ने कहा है, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू फिल्म रिव्यू ऑफ ड्राइव। देखो, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है खतरनाक फिल्मों से जिनमें कहानी के नाम पर अंडा मिलता है और अक्सर इनको देखने के बाद मुझे हॉस्पिटल में 2-3 दिन एडमिट रहना पड़ता है। इन सब फिल्मों के बीच दो चीज़ें हमेशा मुझे कॉमन देखने को मिलती है, पहला है ये लोगो और दूसरे हैं ये महापुरुष। जी हाँ, करण जौहर वापस लौट आए हैं एक ऐसी जानलेवा फिल्म के साथ जिसकी बर्बादी का अंदाज़ा उनको काफ़ी पहले ही हो गया था, इसीलिए फिल्म को बाकी फिल्मों की तरह थिएटर में नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। 2019 में 2 बार ऐसे हादसे मेरे साथ हुए हैं जिनके बाद मुझे लगने लगा था कि इस बार बर्थडे वाला दिन मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाऊंगी, उससे पहले ही मुझे दुनिया को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। पहला हादसा था कलंक और दूसरा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। करण साहब ने ऑलमोस्ट मेरे शरीर से मेरी आत्मा को बाहर खींच लिया था, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपनी आखिरी सांसों को समेटकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। लेकिन एक बार फिर से करण साहब का ग्रैंड मेरी जिंदगी पे लग गया है, क्योंकि ड्राइव नाम की एक बिना इलाज वाली बीमारी ने मेरी लाइफ में एंट्री मार दी है। फिल्म के नकली विजुअल इफेक्ट्स आपको कैंसर और हार्ट अटैक से भी ज्यादा दर्द दे सकते हैं और फिल्म की कहानी आपके दिमाग के साथ साथ आंखों में भी छेद कर सकती है। अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के फैन हैं तो फास्ट एंड फ्यूरियस का नाम आपने जरूर सुना होगा। बस उस फिल्म का एक सस्ता और काम चलाऊ वर्जन तैयार किया गया है जिसमें चोरी, रेसिंग, लड़कियां और पैसे वाले फॉर्मूले को डालकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। मतलब कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप फिल्म को कॉपी करके इतना नीचे लेवल पर गिरा देते हो कि ओरिजिनल फिल्म वाले भी शर्म से पानी पानी हो जाएं, तो समझ लीजिए फिल्म पर 2 घंटे बर्बाद करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। फिल्म का नाम है ड्राइव, तो उसमें कार तो होंगी ही, लेकिन नहीं, करण जौहर साहब कोई मामूली इंसान तो है नहीं, इसीलिए फिल्म में असली कार नहीं बल्कि कंप्यूटर वाली कार्स डाली गई हैं जो आपको बचपन के दिनों में वापस लेके जाएंगी और NFS की याद दिला देंगी। उसके ऊपर से फिल्म में जो कातिलाना एक्टिंग दिखाई गई है उसके बाद आपका हिंदी फिल्मों के ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। जैकलीन के मुंह पे एक्सप्रेशन ढूंढने वाले को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इससे कठिन काम शायद जिंदगी में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। फिल्म में कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी दिखाए गए हैं जिनके सामने बड़े बड़े चोर भी आपको शरीफ लगने लगेंगे। कुछ साइड वाले एक्टर्स भी हैं जो बिना मतलब छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनकी तालियाँ बाहर निकलने के लिए तड़पने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे फिल्म में एक सपने वाली दुनिया तैयार की गई है जिसमें एक्टर्स की जगह रोबोट्स को कास्ट किया गया है जिनके सिर्फ 2 काम हैं, स्क्रिप्ट में लिखे डायलॉग्स बोलना और बीच बीच में खिलौने वाली कार चलाना जो रोड पे नहीं बल्कि आसमान में दौड़ती हैं। करण साहब, आप इतना टैलेंट लाते कहाँ से हैं? कलंक देखने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि करण साहब की डिक्शनरी में लॉजिक नाम का शब्द तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ड्राइव देखने के बाद मुझे पता चला कि उनकी डिक्शनरी तो किसी दूसरी ही दुनिया में लिखी गई है। फिल्म के शुरुआत में जिस तरीके से इंडिया गेट का इस्तेमाल करके ड्राइव लिखने की कोशिश की गई है, उसके बाद तो मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गई हूँ। तो यार, कम शब्दों में बोलूँ तो ड्राइव सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी और हो सकता है कि 2 घंटे के बाद फिल्म के साथ साथ आपकी ज़िंदगी का भी दी एंड हो जाए। बाकी ये फिल्म स्टार रेटिंग से काफ़ी ऊपर है, इस पर स्टार्स देकर समय की बर्बादी करना ठीक नहीं होगा। जो कारनामा करण साहब ने करके दिखाया है उसके लिए तालियां ज़रूर बजनी चाहिए। मैं बस भगवान से इतनी दुआ करूंगी कि मेरे जन्मदिन पर मुझे एक गिफ्ट ज़रूर दें, अगली बार से करण साहब को बॉलीवुड की जगह हॉलीवुड फिल्मों में भेज दें, क्योंकि ऐसे रियल टैलेंट की कदर हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है। अब फैसला आपका है, अगर अपनी चलती हुई सांसों को किसी बुरी नज़र से बचाना चाहते हो तो ड्राइव से काफ़ी दूर रहिएगा, वरना अगर आपने मन बना लिया है ज़िंदगी में खतरों के खिलाड़ी जैसे खेल खेलने का तो ड्राइव देखिए, उसके बाद ज़िंदगी की कदर करना आप ज़रूर सीख जाएंगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।